खबर नुआखाई एक्सप्रेस के स्वागत करुछी स्मृति लग्ना पहला हेडलाइंस पश्चिम ओडिशा ने चिन्ह ठेला पहला ब्लैक फंगस रोगी बुला मेडिकल ईएनटी विभाग ने भर्ती इटार आगु होते कोरोना पॉजिटिव सियाड़े ब्लैक फंगस के लेकिन स्वास्थ्य विभाग स्पष्टीकरण कहले महामारी नाई से ब्लैक फंगस ओडिशा के घारी छे यस रो डर 26 तारीख सकाले पश्चिमबंग ओडिशा उपकूल के पहुंचा यस जबर बरसिबार संगे हे पारे जोर धुका पवन बात्यार सामना करबा लगी सरकार को प्रस्तुत दिन को दिन बढ़ुचे कोरोनार मृत्यु संख्या गला 24 घंटा ने राइज ने 27 जन कर मरण कोरापुट खुर्धानु 4 सुंदरगढ़ नुआपड़ा रायगड़ानु गला 3 जन कर जीव मानव सेवा ही माधव सेवा फी दिन 300-400 कोरोना रोगी परिवार के देउछन दाना चर्चा ने संबलपुर उत्कंठ फ्री फूड संस्था सब बहन ले करा जाउछि प्रशंसा अर्गस न्यूज़ रो महाप्रभाव खबर बाजला उतरू साफ हला ड्रेन सुखा हला गाँ मझिने जमिथिबार वर्षा पान स्थायी समाधान लगे गाँ लोकर हेउछे दाबी एतकर पूरा खबर कैमा पश्चिम ओडिशा ने चिन्ह ठेला पहला ब्लैक फंगस रोगी चिन्ह रोगी बरगढ़ जिला बरपाली बजपदर गाँव बोलिकिना जना पड़ी तांको एबेका बुल्ला मेडिकल नो ईएनटी विभाग ने भर्ती करा जाइछे सेतार आगरु कोरोना पॉजिटिव थिले सेनु भल हेकिना घर के फिरबार बाद तांकर नाके समस्या बाहरी थिला परिवार लोके तांको चिकित्सा लागि बुल्ला आनबार बाद सेन एटा जना पड़ला जे से ब्लैक फंगस रुगियान सियाड़े जे ब्लैक फंगस के महामारी घोषणा करा ना हेथिबार स्पष्ट कर देछे राय स्वास्थ्य विभाग कहला ब्लैक फंगस महामारी आईन भितरे आसीथिबा गुटे नोटिफाइड डिजीज आए बाबत ने अधिक सूचना लगी मलय भई संबलपुर प्रतिनिधि मोर संगे जुड़ी हेचन मलय ब्लैक फंगस रोगी बुल्ला ने जना पड़छन आर चिकित्सित होछन कारण सूचना रहुचे तांकर पाखे कारण सिम्पटम्स देख पार के मिलुथला आर यहा दे तांकर स्वास्थ्य अवस्था केनता रहिचे निश्चित भाव सुतलना देखुन गला के राति बरगर बरपाली ब्लॉक नो अंचल जणे ब्लैक फंगस रोगी जणे चिन्हट होछन जेनटा के से किछि दिन आगन गुजरात अंचल फेरी थे जेनटा कि पखापाखि 15 दिन पर से ताकर ब्लैक फंगस चिन्हट होगा जहाँ बुल्ला भीमसार अधिकारी पूरापूरी भाव कहीं गलाक राति ईटा के लेकर से यहाँ बुल्ला एम टी विभाग चिकित्सा होचन जेनटा कि जदिटा कहमा पूरापूरी भाव संबलपुर बा पश्चिम ओडिशा रे पहला ब्लैक फंगस रोगी चिन्हट होता कहा जाए पार्बा कहीं आपड़ देखूँ जे पहला करे जिते बेले ब्लैक फंगस कथा कह जाता पहला करे ब्लैक फंगस कथा भुवनेश्वर चिन्हट होता तार परवर्त समय इटा होचे पहला पश्चिम ओडिशा रे ब्लैक फंगस चिन्हट होचे जेनटा के लेकर यादे सारा पश्चिम ओडिशा के गोटे चिंतार कथा जे पश्चिम ओडिशा रे पहला करे बरपाली अंचल बा बरगढ़ अंचल जड़े जड़े लोग ब्लैक फंगस चिन्हट होचन या के नहीं कि गोटे प्रकार पूरापूरी भाव पूरा प्रस्तुत अच्छे बुल्ला राय स्वास्थ्य विभाग इटा स्पष्ट करिछे जे ब्लैक फंगस महामारी नाइ से नोटिफाइड डिजीज आए इटा के नहीं कि लोकर भितर भी सचेतनता रहू आर जहाँ न सिम्पटम्स देखा जाऊे से माने डाक्टर मान संगे जोगाजो करबार बर्तमान जरूरी है बोल कि कहमा देखुन गोलाकेल स्वास्थ्य मंत्री नव दास मई भी कही जे ये ब्लैक फंगस महामारी कोरोना बोले गोटे प्रकार से निजे कही आ गोटे कथा याद कहु जे ब्लैक फंगस जिते बेले पश्चिम ओडिशा चिन्हट है आ गोटे कथा भी बाहर याद जिते बेले देखुन ये ब्लैक फंगस रोगटा ओडिशा बाहर ओडिशा बाहर हो तो यहाँ के नहीं करी संक्रमण मन गोटे प्रश्न उठुचे
कोरोनार परे परे ई ब्लैक फंगस रोग जितले आउचे समके मने गुटे चिंता पसुचे ई रोगटा केनता हेतिबा काणा हेतिबा इता के नेके समके मने में गुटे डर पसुचे काकि ना आपण देखुन जेन कोरोना काल थिन पूरा पूरी 2 बरस हलन लोकर मने गुटे डर रहितला या दे फेर ब्लैक फंगस आउचे ई ब्लैक फंगस केते मार सिम्पटम्स बहुतते कोहा जाईतिला मलय जेंता की आखी लाल पड़बार कथा कोहु नाक नु कला पान बाहरबा नाक बंद हे जिबा अर इतर संगे दांत हलबा एंता बहुतते सिम्पटम्स कोहा जाईतिला ब्लैक फंगस लगी आर जदि कोरोना बाद लोक मान को इटा हो छे तो डाक्टर को संगे परामर्श करबार के कोआ जैतिला जेन रुगी चिन्ह ठेचर तांको नेकान सिम्पटम्स देखवार के मिलु छे से बाबत ने किछ सूचना रहू छे आपन कर पासे देखो जेन रोगी माने यहा देबे ब्लैक फंगस चिन्ह ठेचन पहला कर तो पश्चिम ओडिसा गोटे रोगी जेनटा के बरपाली अंचल रोगी ब्लैक फंगस चिन्ह ठेचन सेटा के ईएमटी बुल्ला ईएमटी न एडमिट हेचन से चिकित्सा होचन आ गोटे कथा रहला जे बुल्ला कर्तृपक्ष यहाँ तक भी काण काण से रोगी मान को चिकित्सा कराइबा कथा से रोगी मैंने काण पदक्षेप ने कथा से नहीं कि कहवा नहीं कहीं यहाँ देख गोटे प्रकार स्वास्थ्य मंत्री भी गोटे पद गोटे कथा कौन आ गोटे कथा रहा जे निजे बुल्ला भीमसार लोके ये कथा कहवा कथा लोक सचेतन सचेतन कहवा कथा जेन मग जेन मैंने कि ओडिशा बाहर अच्छा जेन मैंने कि जेन जगह न ब्लैक फंगस चिन्ह रोचन से एरिया नो जेन मैंने नौ से कहवा कथा जे काणा काणा सिम्पटम होचे तार परे पहले ब्लैक प्लट चिन्ह रोचे से मानक काणा काणा पदक्षेप नेबा कथा से गोटे कथा याद स्पष्टकरण करवा कथा जे तार परे परे लोग भी याद नजर रखित न हमें फिर मु आपन कर पास के बहुत बहुत धन्यवाद मले संबलपुर रिपोर्टर रहितले जे एतका जानकारी दोतले पर और खबर केमा राइज ने कोरोना ने मरबार संख्या दिन के दिन बढ़तेल जाउचे आज राइज नु 37 जनकर जीवन नै छे कोरोना इटा के मिसे किना राइज ने कोरोना लागि मरबार संख्या 2430 पहुंची जाई छे सुंदरगढ़ नुआपड़ा रायगड़ा नु 3 जन कर जीवन जाई छे एंता बेल के कोरापुट और खोर्धा नु 4 जन लेखे मरिछन सेंता राइज ने दिनकिया संक्रमण 12000 उपरे डेगी गलान गला 24 घंटा ने 12523 जन कर टेस्ट रिपोर्ट आसी छे पॉजिटिव 7012 जन क्वारंटाइन केन्द्र नु चिन्ह थेइतबार बेल के 5511 जन लोकल केस आए इटा के मिसे किना राइज ने मोट पॉजिटिव कर संख्या 668422 के पहुंची छे सुंदरगढ़ नु 715 कलाहांडी 491 संबलपुर 400 झारसुगुड़ा 373 बौद्ध 365 बरगढ़ 315 हेंता बलांगीर 296 सोनपुर 202 देवगढ़ 106 आर स्टेट पुल नु 324 जन पॉजिटिव चिन्ह हटेछ बाबत ने अधिका जानकारी लगी सुंदरगढ़ प्रतिनिधि स्वागत तो मोर संगे जुड़ी है चन लाइव ने स्वागत केंता देखुचन सुंदरगढ़ ने जदि हमें कहबा लगातार 4-5 दिन हेला न 700 ऊपर रहुचे संक्रमित कर संख्या लोकमान कर भितरे सचेतनता अछे तो जेन कटकणा करा जाउचे लॉकडाउन के नेकरी शटडाउन के नेकरी सब जगह ने मानुछन त से माने देखुन न्याति बाबरे सुंदरगढ़ रे जेन हिसाब रे कोरोना रोगी कर संख्या बढ़ुत सेटा चिंताजनक विषय पलटी छे एवं जहाँ देखबार लगे मिलुचे वर्तमान गाँव रे बेसी संख्या बढ़ुचे कोरोना आक्रांत संख्या बढ़ुचे सहर रे अपेक्षाकृत कम हो किंतु गाँव रहा भयावह स्थिति रही है आज जिन 715 जन चिन्हट होकर भितर 25% जेनटा रही अर्बान एरिया बा सहरांचल नु एवं 75% जेनटा रही ग्रामीण अंचल नु चिन्हट यह सबकर लगे चिंतार विषय पलटि कारण गाँव रे जेन हिसाब रे स्वास्थ्य सेवा रही है ताहा केते दूर मुकाबला करी पारबा जेन हिसाब रे संक्रमण व्यापुचे गाँव अंचल रे हेटा चिंतार विषय पलटी छे जदी हमें जदी फी जगह ने देखमा स्वागत तो शहर लोग माने सचेतन अछन शहर ने स्वास्थ्य सेवा भिल मिली पारु छे लेकिन गाँव मान के लोग माने सचेतन नैन इतर कथा आगरु चिंता करबार थिला जे गाँव रो लोग माने किंथे सचेतन हे परबे यहा दे बहुत देरी हे गला न बोली के कह परमा निश्चित भाव जेनटा कौन जे गाँव रेन स्वास्थ्य सेवा रही है जहाँ तक भितरे सचेतनता रही है बहुत बड़ प्रतिबंधक साजुचे कोरोना के अटकबार लगी और राज्य सरकार इटा के देखिकिना जेन पदक्षेप मान देन इटा बेसी लेट नहीं होजबार तो इटा गोटे बड़ कथा एखन उठुचे कहे कि जिते चेष्टा कले कि लकडाउन रेनटा प्रभाव रही है सेटा गाँव रेखबार लगी नहीं मिलवार पुलिस रो जेंटा चेकिंग भी चली छे सेटा भी गाँव रे देखवार लगे नहीं मिलवार जेंटा की इ मासर पहला सप्ताह रे जेंटा देखवार लगे मिलुतला जे पखापखी 60% लोग अर्बन एरिया रु बा शहरांचल नु चिन्हट होतिले किंतु
वर्तमान जेनटा देखबार लागि मिलुचे जे 60% लोक ग्रामीण अंचल नो चिन्हट होउछन हेटा बहुत बड टेंशन पालटे के वर्तमान टेस्ट रो टेंशन के आपन केनता देखुचन बहुत जगह ने देखबार के मिलसी लोक मान के ठंडा कास जरो हेले से माने टेस्ट करबा लागि नै जा निजे निजे उसो खाई दोचन आर भल हेगला बोली किना भाबिनु छन निहाती भाव गाँव इटा जेन आमे जेन रिपोर्ट आसुचे 715 सर जदि अनरिपोर्टेड केस जदि कथा कहबा आउ बहुत हवा कांजे कि गाँव रे लोक माने चाहबार नै टेस्ट करबार लागि समाने समानकर भितरे गुटे धारणा रही जाइछे जे जदि टेस्ट करामा हेले जेंता हेले पॉजिटिव बाहरबा एवं आमके एडमिट करे देबे आमके रोकी देबे हे प्रकार गुटे भ्रांत धारणा समानकर मध्य रे रहीछे एवं स्वास्थ्य सेवा के नैकिना जेन सचेतनतार अभाव रहीछे हेटा एखन बहुत बड़ प्रतिबंधक साजुचे गाँव रे कोरोना के अटकाबार लगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत सूचना दोथवा लगे स्वागत आम सुंदरगढ़ रिपोर्टर जेनता कि कहते गाँव मान के लोग माने सचेतन नाय न जेनती लगी ये कथा देखबार के मिलुचे सुंदरगढ़ ने 3-4 दिन ही जीवन 700 ऊपर संक्रमित कर संख्या आसुचे जेने रोक लगबार आवश्यकता रहुचे कोविड महामारी समय ने लोकमान के अजथाती घर न बाहर बार लगी सरकार कटकना जारी करिछन अमानिया मान को जरिमाना भिल दिया निया जाउचे एतकी बेल के बलांगीर जिला प्रशासन कोविड गाइडलाइन भूली जाउथबाटा देखबार के मिलिछे लोयर सुक्तेल जलसेचन प्रकल्प प्रभावित पर्धियापाली गाँ लोक मान के 7 दिन भितरे गाँव रु घर छाड़बार के जिला प्रशासन निर्देश दे जिला प्रशासन एंता कठोर आरु अमानुषिक निर्देश के पर्धियापाली गाँ लोके विरोध करुथवार देखबार के मिलछे महालिया थी ऑटो एम्बुलेंस सेवा ऑटो ने ऑक्सीजन लगे किना रोगी के पहुंचे जोचन हॉस्पिटल खाली इतके नए से महालिया पीपी किट भी लोकमान को बांटुचन संबलपुर रो पिला भरत गरीब असहाय लोकमान के सेवा करी किना एवं से चर्चा ने रहीचन कोरोना समय ने सेवा मनोभाव रखुतबार इंता जने जवान को आसुन भेटमा बिकता लोकमान को महालिया थी ऑक्सीजन संगे ऑटो सेवा संबलपुर शांतिनगर रो जवान भरत महापात्र लॉकडाउन लगी ऑटो नहीं चलबार एम्बुलेंस नहीं मिलुथबार बेलके ऑक्सीजन रो भी अभाव एंता समय ने गरीब लोक मान को लगी देवदूत साजिचन भरत बेसी अवस्था खराब थिबा रोगी मान के निजर ऑटो ने ऑक्सीजन लगे किना महालिया थी हॉस्पिटल पहुंचौचन शहर रो जेन जागा नु भी कॉल आसला सांगे सांग घरु भारी जासन सेवा करबार लगी लोक मान को विपद समय ने तांकर सांगे ठिया हेले मते बहुत टे खुशी मिलसी कहसन भरत केनटा का जरो आनला का ठंडा आला के लोग ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल एबी देखो केनटा सिस्टम न होय का कइछ एटा आजकल तो ऑक्सीजन दरकार पड़ी समक्त हो गया तो ऑक्सीजन एत लगे रखी छे बाय चांस का दरकार पड़ला तो ऑक्सीजन ये कराय जीव बोल के निस्को भल लागु जाय लोको काना कोन सेरा तो नहीं आ मते तो निस्को फील भल लागु जे रोगी मान को चिंता ऑक्सीजन रो अभाव नहीं हुए सेतिलागि से ऑक्सीजन मौजूद करिकिना रखिछन एंती किना पीपी किट भी सबके महालियारी जुगौछन इथि लागि भरत को गुटे स्वेच्छासेवी संगठन साज्यर हात बढैछे तांकु देखला परे आमे माने भी विचार करलु कि तांकु आमे बड़ आकार रे आनमु आ बड़ आकार आनबार संगे संगे हमर जन ऑक्सीजन बैंक रु ऑक्सीजन भी जोगैछु आ पीपी किट भी अछे से पूरा ता माने एम्बुलेंस रा जेंटा टाइम रे आसी नै परबर जेन इमरजेंसी नंबर को फोन करचन लोक बहुत घंटा घंटा वेट करूचन तो जल्दी जदी किसी पेशेंट सीरियस हे गेले केन टाइम रे तो भाई अछन हमर स्वेच्छासेवी संगठन को लोक फोन करूचन फोन माध्यम रे जणाला परे आमे भाई को जणौछु भाई बहुत उद्यमी युवकन से काम करूचन से पेशेंट गुडा को सीरियस पेशेंट गुडा को केनता आमे ऑक्सीजन दे परमा ऑटो रिक्शा रे आ तार संगे संगे आमे एंदा हॉस्पिटल के पहुंचे परमा एटा गुटे इनोवेटिव आइडिया टे भरत करी सेवा मन भाव के सब जगह ने भूरी भूरी किना प्रशंसा मिलुचे संबलपुर नो वीडियो जर्नलिस्ट रोहित सिंह कर संगे मलय भुइंग को रिपोर्ट अर्गस न्यूज महामारी कोरोना कटकना लगी सारा राइज ने लुके डहल बिकल हे जाउछन एतकी बेलके कुलीभूति करिकिना चलुथबार निज श्रमिक मानकर दुख अयतका बढ़ी जाइछे एंता घटना बे संबलपुर जिला रेंगाली ब्लॉक रो बहे गाने देखबार के मिलुछे काना खायमु केनता करी चलमु इटा भाभी होउछन दिन मजुरांकर परिवार आसुन देखमा ए रिपोर्ट राजसारा तालाबंद लागिछे थरे लागी करी फेर थरे बळलान काम धंदा सब बंद अछे हेतकि बेलके दिन मजुरांकर दुख जह बढ़ी जाइछे तालाबंद लागिर सब किछि अंधार लागुछे
ଖଟିଖିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ମୋର ଦୁଃଖା, କାଣ ଖାଇମୁ, କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ମୁ। ସକାଳ ବେଲେ ମୁଠେ ଖାଇଲେ ବେଲବୁଡ଼ା ଥି ଭୁକେ ରହିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭୁକେ ଉପାସେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ। ଲକଡାଉନ ଲାଗି ଆର୍ କାହିଁ ଫୁଲ୍ ମଜୁରୀ ବି କରି ନାଇଁବାର୍, ବେଲେ କାମ ବେଲେ ବନ୍ଦ, ସେଥି ସକାଶେ ହେତେ ଲୋକ ବି ନାଇଁ ଡାକ୍ବାର୍, ଚାଲିଛେ ଗରିବ ପୋଡ଼ାଟାକୁ, ଯେନ୍ତା ହେନ୍ତା କରିକିରି ଚଲୁଛୁଁ, ସାମାନ ପତର ବନ୍ଧକ ଫନ୍ଧକ ପକେଇକରି ଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରିକିରି। କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁଛେ? କିଛି ନାଇଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଚାଉଲ ତ ଦେଉଛେ ସେଟା, ନହେଲେ ଆର୍ କିଛି ନାଇଁ। କାଣା ଏ ଭୋଗଲ ଟୋପେଲ ନେଉଛୁ, ବାଉଁଶ କାଠ ପାଇଲେ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ବୋଇଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବାର ସବୁଥିରେ ଅଭାବ ହେଉଛେ। ଲକଡାଉନ ହେଲା ତୁମେ କେନ୍ତା ଚଲୁଛ? ଏଛାନ୍ ବହୁତ ଅଭାବ ଥି ଆମେ ଚଲୁଛୁ, ଏ ଅପଡାଉନ ହେଲା ଦିନ ଠାନ୍ ତ ଆଉ ବେଶୀ ଗୁଲୁଗୁଲା ନି ବି ହେଇଯାଉଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବା କେବେ ନାଇଁ ପାଇବା। ଗଲା ବଛର ଲକଡାଉନ ଥି ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଲାଗି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଜରିଆନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଗାଁନେ ଖାଇବାକେ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଇ ବଛରତି ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କେ ପାସି ଦେଇଛନ୍। ଭୁକେ ରହି କେହେ ଘର ଦ୍ୱାରେ ସହି ରହିଛେ ତ ଆର୍ କେନ୍ ଗଛ ତଲେ ବସି ଦିନ ଗନୁଛେ। ଇମାନେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲାଗି ଆଁ କରି ବସିଛନ୍। କିଛି ନେଇ ହେଲେ ବି ସରକାର ଖାଇବାର ଲାଗି ଦି ମୁଠା ଯୁଗେ ଦେତା ବେଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଲକଡାଉନରେ କିଛି କାମ ନାଇଁ ଧାମ ନାଇଁ, ଘରେ ବସିଛୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଗଲା, ଏତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ସେମିତି ହିସାବରେ ଆମେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖ କରିକିରି ଚଲୁଛୁ, ନାଇଁ ଯିବାର ମଜୁରୀ ଘରେ ନଛୁ, ଚଲୁଛ ଘରେ କେନ୍ତା ଖାନା ପିନା କରୁଛ? ହେନ୍ତା ବେଲେ ଖାଇଲେ ବେଲେ ଏମିତି ରହୁଛୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତ ବିଲକୁଲ ପାରବାର ନାହିଁ, ଘରେ ହିଁ ଅଛ, ପଡ଼ିଛନ୍ ଘର ଭିତରେ, ଛୁଆ ଅଛନ୍, ମୋର ତିନିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍, ମା ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଅଛ, ଛଅଟା ଆମେ ଛଅଟା କୁଟୁମ୍ବ ଅଛୁ, ବେଲେ ହଁ ବେଲେ ଖାଇଲେ ବେଲେ ହେନ୍ତା ହେଇକିରି ରହୁଛୁ। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଲକଡାଉନ ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଭୋକ, ମହାମାରୀ ସମ୍ୟାତି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ ବୋଲି କହି ବୁଲୁଛନ୍। ସବୁଦିନ ସରକାର କିଛି ନା କିଛି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍, ହେଲେ କୁଲିଭୂତି କରି ଚଲୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ନେଇ ପଡ଼ବା। ସରକାର ରୋଗକେ ମାରୁଛନ୍ କି ଲୋକକେ ମାରୁଛନ୍ କିଛି ବୁଝି ନେଇ ହେବା। ସରକାରଙ୍କ ନଜର କେବେ ଇମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ବା ସମୟ ହିଁ କହିବା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ମହାପ୍ରଭାବ, ସାଫ ହେଲା ଡ୍ରେନ, ସୁଖା ହେଲା ଗାଁ ମଝିନେ ଜମିଥିବାର ବର୍ଷା ପାଇନ୍। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ମିଣ୍ଢାମାଲ ଗାଁନେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଥି ଗାଁ ମଝିନେ ପାଇନ୍ ଜମିକିନା ରହିଥିଲା। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜନେ ଖବର ବାଜିଲା ଉତରୁ ଚେତିଛ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଆର୍ ସମିତି ଆଡ଼ୁ ଜାମ ହେଇଥିବାର ଡ୍ରେନ୍କେ ସାଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ତା ବେଲ୍କେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଇନ୍କେ ଭିଲ୍ ଶୁଖେଇ ଦିଆଯାଇଛେ। ପାଇନ୍ ଜମ୍ବାର ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଜାନା ଆନାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାନେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋନୁ ଖବର ଦେଖେଇଥିଲା, ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଇ ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନ ଲାଗି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାର ସାଙ୍ଗେ ଏଥିରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାର ଲାଗି ଗାଁ ଲୋକେ ଦାବି ଉଠାଉଛନ୍। ବିହାଗର ଭୁଜିକେ ଆସିଥିବାର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନ ଭାଇକେ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୋଗ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମାଲପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏନ୍ତା ଘଟଣାଟେ ଦେଖିବାରକେ ମିଳିଛେ। ବିହାଗର ଭୁଜିକେ ଆସିଥିବାର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନ ଭାଇକେ କେନ୍ସି କାରଣ ଲାଗି ଛଅ ଜଣ ଯୁବକ ଇଟା ଆର୍ କାଠଫାଲିଆଥି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ତାନେ ତିନ ଭାଇ ଗୁରୁତର ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକତରେ ବୁଡ଼ିଥିବାର ଅବସ୍ଥାନେ ସେନ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆହତ ତିନି ଭାଇ ମୁରଲିବାହାର ଥାନା ଡୁଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ାନୁ ଗାଁର କ୍ଷେତ୍ର ପୁଟେଲ, ଅର୍ଜୁନ ପୁଟେଲ ଆର୍ କାମଦେବ ପୁଟେଲ ବୋଲିକିନା ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ଏ ବାବଦନେ ଏବତକ ମୁରଲିବାହାର ପୁଲିସର କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାଇଁ ମିଳିପାରି। ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଆଡ଼ୁ କରୋନାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛେ ସହାୟତା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାନେ ଦିନକେ ଦିନ ମହାମାରୀ କରୋନା ବର୍ତ୍ତେଲ ଯାଉଛେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଲୋକର ଜୀବନ ଭିଲ ନେଲାନ ମହାମାରୀ। କୋମନା ବ୍ଲକ କୋଟ୍ରିବାହାଲ ଗାଁ, ଠୋଙ୍ଗ ଗାଁ ଆର୍ ସେମେଲପାଲି ଗାଁରେ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କରୋନାଥି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେନ। ସେଥିଲାଗି କୋମନା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଆଡ଼ୁ ମୃତକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରିବାରକେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇବାର ଦିନକେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖେନେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସାମିଲ ହେବା ବୋଲିକିନା ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକର ଆମର ଯୁବ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ତିନି ଜଣକୁ ଆମେ ହରେଇ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଆମେ କୋମନା ବ୍ଲକର ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ
तांको परिवार को आमे सांत्वना देला परे कोविड सचेतनता रथ उद्घाटन संगे हेल्प डेस्क भी खुली छे जिला जज आर बरगढ़ जिला ने दिन को दिन कोरोना रोगी को संख्या बढ़तेल जाउछे। जिला प्रशासन संगे बहुत स्वेच्छासेवी संगठन महामारी के अटकाबार के चेष्टा करुछन, सचेतनता करुथवार देखवार के मिलुछे। लोकमान को मेडिकल सुविधा जुगे देवार संगे खाना पीना कथा भी बुझुछन। आज बरगढ़ जिलार बरपाली सीएससी थाने बरपाली ओकिल संगाड़ तालुक आईन सेवा समिति आड़ गुटे हेल्पलाइन सेंटर खुला जाई छे, जार संगे गुटे सचेतनता रथ भी उद्घाटन करा जाई छे। जिला मुख्य जज श्रीजुक्त संजय कुमार साहू इटाके उद्घाटन करिछन। इटाके नेकिना जिला जज संगे ऐतका आलोचना करिछन आमर बरगढ़ प्रतिनिधि मनीष शर्मा। संख्या दिन के दिन बढ़वा लगे लगुचे, जेटा के नहीं कर सचेतनता कार्यक्रम जिला प्रशासन तरफ कराऊे। इतार सागे आज जोड़ी होती ओकिल संघ एवं जो जिला जज समिति अच्छा से आज जोड़ी होती आज बरपाली थाने गोटे जो सचेतनता रथ उद्घाटन करम सागे अच्छा जिला जज अच्छा आम सीधा सलखर सागे आलोचना करमा। आज्ञा कौन कह जेन आप सचेतनता रथ गोटे अवेरने कार्यक्रम कर सागे सागे गोटे हेल्प डेस्क भी खोली तो इतार एक्चुअली मोटोटा कण रही। देखु आम आज बरगढ़ ठारे आम जिला आईन सेवा प्राधिकरण तरफ आम बरगढ़ ठारे गोटे सचेतनता रथ उद्घाटन करछु। सारा बरगढ़ जिले सात दिन काल से रथ बुल मुख्य उद्देश्य है से बरगढ़ जिलावासी को सचेतनता करेबा। जो तीन टा गोल्डन प्रिंसिपल रहा ये कोरोना को प्रतिहत करने प्रथम कथा आम ठीक भाव मास्क पिंधा मास्क सब पिंधा बिना कामरे आम बाहर को बाहर ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा आउ बारंबार हाथ को धोबा यही बार्ता दवापाई आमर बरगढ़ जिलार अधिवासी मानक यही बार्ता दवापाई आम सचेतनता रथ आरंभ करछु। सही परिप्रेक्षी में आज यही बरपाली ठारे आमर गोटे आईन जो कोविड सचेतनता केन्द्र बुलेटिन केरू रखमा शुहार।